कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ को परख नली में इस प्रकार लगा दीजिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्ययन 6 में किए जाने वाले आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु को अत श्वसन अथवा उच्च श्वसन कहते हैं वह गैस का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं, मतलब आप श्वास छोड़ते हैं, तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण जल के या बिंदु कण कहा जा सकता है। देखिए इस तरीके से चलिए अब आगे क्रियाकलाप 10.5। अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि जंतु वक्ष गुहिकाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनमें भी मनुष्य के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते? आइए पता करें। चलिए कॉकरोच। तो कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र जो श्वसन रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनियम के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वसन प्रणाली या वातक कहलाता है। ऑक्सीजन देखिए इस तरीके से श्वसन प्रणाली श्वास तंत्र। ठीक है चलिए आगे। समृद्ध वायु श्वसन श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के उत्कर्तों में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है, श्वास रंध्रों से बाहर निकाली जाती है और श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चलिए आगे केचुआ, जो आप कक्षा 6 के अध्ययन 9 में आपने पढ़ा था कि केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करते पर आंद्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है, इसमें से गैस का आवागमन आसानी से होता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आंद्र और श्लेष्मीय होती है। तो जो आपने पढ़ा था आगे, तो क्या होता है कि वो अपनी त्वचा के द्वारा जो उनकी त्वचा होती है उसी से वो श्वसन का काम करते हैं। अब आगे 10.6 में, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव जो जल में श्वसन कर सकते हैं और वे जल में कैसे श्वसन कर सकते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियां क्लोम या गिल में पाए जाने वाले क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं और क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकालते हैं। तो क्या होता है कि मछलियाँ क्या पानी के अंदर श्वसन की क्रिया करती है, तो जो उनका क्लोम होता है तो वो पानी के बाहर आकर भी कुछ मछलियाँ श्वास लेती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करती है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस में विनिमय
में सहायता करती है। देखिए इस तरीके से, चलिए आगे। यहाँ पे 10.7, क्या पादप भी श्वसन करते? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु ऑक्सीजन के अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त करते हैं। अध्ययन 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन किस तरीके से होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्रों होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिका भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा मतलब क्या बोलते हैं, ऊर्जा के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मुद्रा कणों के बीच में खाली स्थानों में वायु में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो किस तरीके से ये अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं, खुली जगह होती है वहाँ से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्ययन में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है ना। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, मतलब मिट्टी कण छोटे छोटे मूल रोम वायु अवकाश, तो किस तरीके से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। अब इस पाठ में हमने क्या जानकारी ली कि किस किस प्रकार से श्वसन की क्रियाएं होती है। तो मनुष्य किस तरीके से श्वसन क्रिया करता है, ऊर्जा किस तरीके से मिलती है, शरीर के अंदर वायु जाती है, बाहर वायु जाती है, भोजन का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विखंडन होता है, किससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में जान ली है ना। तो अब आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका अभ्यास आपको पूर्ण करना है, ठीक है। धन्यवाद।